तो देखो प्यारे बच्चों, एक सवाल है, बेसिकली आसान सवाल है, इसको मैं इजी क्वेश्चन बोलता हूँ। कहता है अमाउंट एक रेजिस्टेंस है, और अगर इस रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस आर है, इसमें जो हीट प्रोड्यूस है इन 10 सेकेंड में, जो हीट प्रोड्यूस है जब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो एच है, ठीक है। अब जो हीट प्रोड्यूस है एच डैश हो गया जब 16 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और टाइम अभी भी 10 सेकेंड ही है, तो करंट की वैल्यू सिंपली चेंज हो रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो हीट प्रोड्यूस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी 10 सेकेंड दोनों जगह सेम है, तो हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, मतलब एच डैश अपन एच की वैल्यू आ जाएगी आई डैश अपन आई का होल स्क्वायर। तो आई डैश की जो वैल्यू है और यह आ जाएगा 16, और आई की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये स्क्वायर, तो ये यहाँ से 4 टाइम्स आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एच, तो एच डैश की वैल्यू आ जाएगी 16 एच। तो ये जो है अपना बी ऑप्शन सही है, बहुत ही आसान सवाल था। आप